गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। चलिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। और आज मैंने सोचा है कि आपको थ्योरी जैसे बोरिंग टॉपिक से हटा करके कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक करें, कुछ क्वेश्चनियर्स हम करते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। तो आज मैंने ये सोच के जनरल एंट्रीज चालू की। जनरल एंट्रीज क्या होती है? जनरल एंट्रीज होती है जब आप किसी बुक्स के अंदर जो लिखते हो, जिससे कि लोगों को पता चलता है, जिससे कि मालिक को पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो जनरल एंट्री कहलाती है। मैंने काफ़ी सारी आपको टर्मिनोलॉजीज बताई है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। और आज नीचे दम पे हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक जो जनरल एंट्री होती है, तो जहाँ जिस बुक में जनरल एंट्री की जाती है उसे बोलते हैं जनरल, ठीक है, JOURNL, जर्नल। नाउ अब इस जनरल का एक फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले हम उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से रहेगा। आपको एक ये लाइन हमने खींची क्योंकि मेरी यहाँ पर लाइन नहीं आती है। यहाँ पे आती है डेट सबसे पहले, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एक कॉलम है जिसका नाम आएगा, और ये दो कॉलम आते हैं डेबिट और क्रेडिट के लिए। नाउ अब मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण, और यहाँ पे आता है लेजर फोलियो। अब ये क्या होता है, क्योंकि हर एक अकाउंट का वापस से कहीं और खतौनी होती है, चलिए खतौनी या ये जो लेजर पोस्टिंग है ये क्या होता है उसे हम बाद में समझेंगे, बट यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर लिया जाता है। ये अपना डेबिट अमाउंट हो गया और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट हो गया। नो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 150,000। इसका सिंपल से बात है कि ये कैपिटल की बात कर रहा है, और कैपिटल क्या होता है जो हम बिजनेस में लगाते हैं। नो यहाँ पे अब आपने देखा कैपिटल बिजनेस और जो इंसान है जो कि बिजनेस कर रहा है वो दोनों अलग अलग है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है कैश, कैश आ रहा है, यानी कि कैश क्या होगा, डेबिट होगा। नो यहाँ पे आप डेट लिख लेना कैश अकाउंट डेबिट। अब सेकेंड नंबर पे क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होती है। तो ये दोनों नियम से हमने ध्यान रखा और हमने ये जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री करने के बाद हमने अमाउंट लिखा, अमाउंट कितना था, 150,000। यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा 150,000 और इधर पे हमने अमाउंट लिखा 150,000। नाउ अब दूसरा कलर लेते हैं। सेकेंड नंबर की जो जनरल एंट्री है वो है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। ये 1 अप्रैल की एंट्री है, तो यहाँ पर वापस से 1 अप्रैल। अब गुड्स परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आया। गुड्स आया यानी कि हमें जो लिखना है वो है परचेज। गुड्स कभी भी नहीं होता है, परचेज हमें लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि कैश में परचेज किया है या क्रेडिट परचेज किया, यानी उधार में परचेज किया है। तो यहाँ पे हमेशा जब भी ऐसा लिखा हुआ नहीं हो क्वेश्चन में और किसी का नाम लिखा हुआ हो, तो हमेशा ये मानना है कि ये क्रेडिट में परचेज किया है। अगर कैश में लिखा हुआ नहीं है और किसी का नाम लिखा हुआ है तो क्रेडिट में मानना है, और अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है यानी कि क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा होता गुड्स परचेज रुपीज 36,000 फ्रॉम नहीं लिखा होता, तो हमें मानना है कि कैश में लिखा हुआ, क्योंकि हम क्रेडिट में अगर मान भी लेते तो हम फिर हम नाम किसका लिखते। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमने क्रेडिट में खरीदा है। अब चूंकि क्रेडिट में खरीदा है यानी कि हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो ये क्या होती है, क्रेडिट होती है। यहाँ लिख देंगे टू मनीषा अकाउंट, और अमाउंट कितना था, 36,000। यस, ये अमाउंट आ जाएगा 36,000 डेबिट में एंड 36,000 क्रेडिट में, दोनों पक्ष बराबर हो गए। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री सिंपल है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2,200। कैश गया हमारा तो कैश क्रेडिट में जाएगा और ऊपर क्या आएगा, स्टेशनरी। तो कलर चेंज कर लेते हैं वापस से ताकि समझ में आए आपको, एंट्री जो है मिक्स नहीं हो क्योंकि मेरे यहाँ लाइनें नहीं है। तो नाउ स्टेशनरी STATIO स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा टू, चूंकि कैश गया है तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा,
और स्टेशनरी क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर है। जब भी एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इस तरीके से ये डेबिट हुआ, ये कितनी था 2200 2200, और ये डेट हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 35,000। यहाँ वापस से मैं लाइन जो है उसको लंबी कर लेता हूँ, तो एक काम करते हैं छोटा कर लेते हैं ताकि फटाफट से लाइन जो है लंबी एक साथ पूरा यहाँ तक चली जाए मेरे। तो ये हमारा फॉर्मेट तुरंत तैयार हो जाएगा। चलो ये अब हम बड़ा कर लेते हैं इसे ना। अब चलते हैं हम यहाँ पे फोर्थ एंट्री की तरफ, और फोर्थ एंट्री में क्या बोल रही थी कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है ना। अब हमारे यहाँ से केस गया है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो केस तो होगा क्रेडिट, तो आपने लिख दिया टू केस अकाउंट। लेकिन डेबिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे नियम क्या है, बैंक अकाउंट जो है हमारी एसेट है और एसेट में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो चूंकि वहां एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए हमने जमा कराए थे बैंक अकाउंट में, जब हम जमा कराएंगे तब भी ये एंट्री होगी, और जब हमने अकाउंट को ओपन करवाया है और पैसे जमा कराए हैं तब भी ये एंट्री होगी। ये हमारा कोई खर्चा नहीं है कि हमने 35,000 जो है बैंक को अकाउंट ओपन करने के लिए दे दिए, ऐसा नहीं है। हमने उनको अकाउंट ओपन करने के 35,000 नहीं दिए हैं, बल्कि हमने अकाउंट ओपन करके उसमें 35,000 जमा कराए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। वापस से वही अपना जो डेबिट और क्रेडिट का नियम था, सॉरी डेबिट और क्रेडिट नहीं, कैश और क्रेडिट। तो यहाँ पर भी कैश लिखा हुआ नहीं है, साथ ही साथ नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मानेंगे कि इसको उधार माल बेचा है। प्रिया क्या होगी, हमारी डेटर होगी, ठीक है। मनीषा क्या थी, क्रेडिटर थी। तो नाउ गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। यहाँ पे अब जनरल एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे सेल हुआ है, सेल हमारे पास गुड्स गया है, तो यानी कि टू सेल्स अकाउंट। और जो कि हमारा प्रिया जो डेटर है, डेटर यानी कि एसेट है, एसेट में क्या हुई, इंक्रीज हुई, बढ़ोतरी हुई, एसेट में इंक्रीज हुई तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिया अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा था हमने, 16,000 का, यहाँ लिख देंगे 16,000 and 16,000। वापस से कलर ये ले लेते हैं, इस बार ये वाला लेते हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री है कि रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। नाउ प्रिया से पैसे आए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब ये एंट्री में ये जो है यानी कि जो डेटर है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास केस आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें उससे पैसे नहीं लेने हैं, यानी वो हमारा कम हो गया। तो यहाँ पे जो हमें जनरल एंट्री करनी है वो करनी है कैश, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब चूंकि जिसका डेबिट बैलेंस था जो यानी कि जो एसेट थी वो हमारी डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो क्रेडिट हो गई, तो टू या अकाउंट, और ये हमें 16। अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कैश, ठीक है, और हम भी कई बार जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कैश नहीं लिखना है, जबकि वहाँ ट्यूशन में सिंपली बोला गया है क्या कि चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है। अगर आप देखोगे तो चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, दैट मींस कि ये जो पैसा है वो बैंक में आया होगा। तो वहाँ पे कैश की बजाय हमें क्या करना है, बैंक में। यही फर्क होता है एक रैंकर और एक जस्ट पास स्टूडेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो गलती है उसको मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि यहाँ पे हमें बैंक लिखना है जब भी इस तरीके से चेक आ रहा है, या हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो केस नहीं है, वो बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कि गुड्स सोल्ड गुड्स, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम ये एंट्री हो जाएगी, है ना, गुड्स पर गुड्स सोल्ड की, जैसे प्रिया को दिया था। और यहाँ पे वापस से निधि पेज ₹14,000 कैश, ये भी सेम एंट्री हो गई जो कि यहाँ पे है, बस यहाँ पे कैश में पे किया गया है। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है उन्होंने कि क्रेडिट में परचेज किया है, जबकि इस वाले जो था 1-4 को यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था कि क्रेडिट पे किया है या कैश में किया है, हमने एज्यूम किया क्योंकि वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं थे कि कैश में लिया है या क्रेडिट में, और नाम दिया हुआ था। उसके बाद इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000। अब वापस से
इंश्योरेंस हमारा एक खर्चा होता है, ठीक है। अगर आप जब भी आप करोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से खर्चे होते हैं, क्या होता है। तो अभी आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये हमें पता नहीं है, या आपको तो पता है सर केस ये जो है ये खर्चे हैं या नहीं है वगैरह वगैरह। आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे जब आप और ज़्यादा जनरेटिव करोगे, ठीक है। तो नाउ इंश्योरेंस जो है हमारा एक खर्चा है, तो इंश्योरेंस जो भी खर्चा है और वो हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो यानी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद जो है हमने केस दिया है, यानी हमारे हाथ से केस गया है, तो सॉरी यहाँ पे हमने चेक दिया है, तो ये याद रखिए यहाँ पे क्या आएगा, बैंक आएगा। तो टू बैंक अकाउंट, और जो बैलेंस बचेगा वो सॉरी जो आएगा डेबिट में 6,000 एंड क्रेडिट में भी 6,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, वहाँ पे है रेंट पेड, ये भी जो है पेड रेंट, यानी कि ये भी खर्चा है। अब ये जो खर्चा है ये है 2,000 रुपीज़, तो वापस से खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, लिख सकते हैं हम। अब वहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कैसे कैश से दिया है या बैंक से दिया है, तो आप जनरली कैश से मानते हुए कैश कर देना, ठीक है। बैंक से केवल तभी करना जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन हो। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज़। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन ए चैरिटी। नाउ अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि 1,500 का जो गुड्स था, यानी कि जो हमारा सामान था, माल था, वो हमने चैरिटी में दे दिया, यानी कि एक तरीके से डोनेशन दे दिया, हमने दान दे दिया। नाउ इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, ठीक है। डोनेशन क्या हमारा खर्चा है, एक तरीके से नहीं, क्योंकि खर्चा वो होता है जिससे हम इनकम कमाएं सर, डोनेशन तो हमारा खर्चा नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में इसे खर्चा माना जाएगा। अब हमारा क्या गया है, हमारा गुड्स गया है, तो जो जाता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट, तो क्रेडिट होता है। तो नाउ क्रेडिट तो टू सेल्स तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं हुई है ना। अब समझ रहे, यहाँ पे सेल कर नहीं सकते क्योंकि सेल हुई नहीं है, और डेबिट तो चलो हमें पता चल गया कि डोनेशन है, और डोनेशन को हमें चलो खर्चा मान लिया, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन टू में क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या किया जाएगा। हम यहाँ पे सेल कर नहीं सकते, और हमारे पास जो है इसके अलावा जो गुड्स थे हम उसको क्रेडिट करते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जब हम गुड्स को चैरिटी में दे देंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही है। बाकी आगे के जो है वो सिमिलर है, ठीक है, जैसे कि ये जो है परचेज ऑफिस फर्नीचर है वो हो गया, या कैश विड्रॉल हो गया। हाँ, ये जो कैश विड्रॉल है, चलिए इसकी एंट्री एक बार देख लेते हैं, चलिए इसकी एंट्री एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो कैश विड्रॉल हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारी ड्रॉइंग हो गई। अब चूंकि बिजनेस से कैश गया है, तो हम क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम जो है अमाउंट लिख देंगे, और ये कितना था अमाउंट, ये था 5,000 रुपीज का। तो नाउ इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज करनी है, बहुत इजी है अकाउंटिंग, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये देखना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट, और एसेट में अगर बढ़ोतरी हुई तो क्या करनी है, डेबिट, कमी हुई तो क्रेडिट, और वैसे ही लाइबिलिटी में अगर बढ़ोतरी हुई तो क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। तो ये है हमारा आज का पूरा वीडियो, और आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।